दोस्तों, सुबह का 9:30 बज चुके हैं और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। और अभी हम हीरापुर चौक में हैं, ब्रिज के ऊपर में खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हमारी गाड़ी लोड हुआ नहीं, खड़ा है गाड़ी। और सामने देखिए जो चल जाता है सीधे कादीवान और नागपुर भी चल जाएगा, इधर आपको उड़ीसा चल जाएगा 6 नंबर रोड में, और ये चल जाएगा आपको खानपुरी और ये बिलासपुर रोड चल जाएगा। अध्यक्ष आप देखिए गाड़ी का लोडिंग का अपना प्रोग्राम आता है, और उसके लिए क्या बता सकता हूँ आपको। और यहीं पर खड़ा देखिए आप लोग, और उधर भी देखिए, देखिए गाड़ी कितना गाड़ी खड़ी है, फोर लाइन है पूरा चारों तरफ। और रास्ता सिटी में चल जाएगा वो वाला, देखिए बोलो देख रहे हैं बलौदा बाजार भी इधर लिखा हुआ है, भानपुरी लिखा हुआ है, MS। गाड़ी तो लोड हुआ नहीं, सर्विसिंग करा के तो आ गए हैं दोस्तों, और गाड़ी लोड हुआ नहीं। अब देखिए आज का प्रोग्राम क्या होता है। और दूसरी गाड़ी हमारी गई है लोडिंग के लिए, और आज 3 दिन हो गया हमको खड़े खड़े यहाँ पे। अब अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, ड्यूटी है और लोडिंग हुआ तभी कहीं बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो कैसे निकलेंगे। तो आइए आप लोग दिखाते हैं, देखिए जो फ्लैट भी बन रहा है, है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं, नाश्ता नहीं किए हैं, हमारा टाइम हो गया है 11:30 बज चुका है। हम लोग आज बरी और आलू का सब्जी बनाएंगे, चावल हमारा बन चुका है, अब तेल डालने जा रहे हैं कढ़ाई में, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, देखिए तेल डाल रहे हैं। इसमें अदौरी को फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल के उसके बाद प्याज वगैरह डाल के भूनेंगे। अब फ्राई करने के लिए हम अदौरी डाल रहे हैं, देख सकते हैं अदौरी जब भून जाएगा ना बढ़िया से पूरा लाल, तो बहुत बढ़िया सेंट आता है इसका, ये चना दाल का बनता है। मेरा अदौरी पूरा बढ़िया तरीका से भून चुका है, अब हम इसको अब निकालेंगे, देखिए पूरा लाल हो गया है, ब्राउन हो गया है, इसको निकालते हैं, इसी का सब्जी बनने वाला है। अभी अपना तिसौरी भुजाने जा रहा है, देख सकते हैं अब इसको भूजते हैं, उसके बाद चरौरी भुजाएगा, देखिए तिसौरी भूज रहे हैं। अब चरौरी डालने जा रहे हैं इसमें, अब चरौरी भूजेंगे, देखिए कैसे उठेगा, ये बड़ा बड़ा हो जाएगा पूरा, इसको भूजेंगे तो देखिए ना। सब्जी बनाने के लिए हम जीरा डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, जीरा डाल दिए, उसके बाद लहसुन प्याज डालेंगे, देखिए जीरा हल्का पक जाएगा तो पक गया जीरा, इसमें लहसुन प्याज पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप लोग, डाल दिए, उसके बाद भूनना है। आलू प्याज भून चुका है, अब इसमें टमाटर पड़ने जा रहा है, देखिए टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के भी हल्का भूजेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे इसमें, मसाला डाल के भूजेंगे, उसके बाद अदौरी को डालेंगे। और सब कुछ भून चुका है, अब इसमें मसाला पड़ने जा रहा है, मसाला डाल के हल्का भूजेंगे, देख सकते हैं आप लोग, मसाला डालने के बाद इसमें हल्का पानी भी डालना होगा, पानी भी डाल दिए, अब हल्का भूजेंगे। देखिए अब अदौरी डाल रहे हैं, अदौरी डाल के इसको पानी डाल के खोला देंगे तो पक जाएगा। हेलो दोस्तों, ये देखिए चंदन बाबू सब्जी बना दिए हैं, और ये देखिए धनिया पत्ता उसमें डाल रहे हैं, धनिया पत्ता देखिए डल रहा है, धनिया पत्ता देख सकते हैं, सब्जी बनकर रेडी हो गया हमारा, और धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, थोड़ा स्वादिष्ट आएगा, सुगंध आएगा, सेंट आएगा, अच्छा लगेगा खाने में, शाइनिंग भी ठीक रहेगा। ये सब्जी रेडी हो गया, चावल भी निकल गया 3 गो थाली में, और देखिए हमारे कंपनी में ये बीटू भाई है सामने, और ये भी आ गए हैं आज, तो हम लोग तीनों आदमी खाना खा रहे हैं, चंदन बाबू भी मेरा निकल गया खाना थाली में, और मेरा भी निकाल रहे हैं, और इसी में हम लोग तीनों आदमी खाते हैं, देख सकते हैं आप लोग निकाल रहे सब्जी, उनके लिए भी निकाल रहे हैं चावल, अपने लिए भी, और देखिए
सब्जी बन हम लोग का रेडी हो गया। आलू और बड़ी का सब्जी बनाए हैं, जो पहले भी वीडियो में आप लोग दिखाए थे, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसी का सब्जी बना के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और खा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि चलो भाई बिट्टू भाई भी मिल गए हमारे साथ, अब इनको भी खिलाते हैं। कैसा लगा स्वाद बताएंगे खुद है बेचारू। जय देखिए भोजन हमारा स्टार्ट हो गया, खा रहे हैं। बहुत बढ़िया बना आलू बड़ी की सब्जी है, फर्स्ट क्लास सिंपल खा रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग हमारे बिट्टू भाई खा रहे हैं, हमारे कंपनी का पुराना आदमी है, बड़ा नहीं आ रहा है यार। देख सकते हैं सामने बिट्टू भाई है। सब्जी कैसा बना? मैंने नंबर वन बना दिया है। बोलो यार कुछ बोलो, कैसा बना सब्जी चावल? बढ़िया बना है चावल ना, प्रेम है कि नहीं, इसी तरह प्रेम भाव बना हुआ रहे। और आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लगा मिल के बिट्टू भाई आए। तो ये लोडिंग के लिए हम निकल रहे भिलाई, बेंगलोर जाना है, कर्नाटक का लास्ट मद्रास के छोर पे जाना है, बॉर्डर में जाना है। हम लोग भिलाई जा रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं यहाँ से, अब निकल रहे हैं दोस्तों। ठीक है तो आगे मिलते हैं फिर। लोडिंग में दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, बहुत सौभाग्य की बात है कि अंडमान निकला और हुगली से अपने को 350 किलोमीटर आगे जाना है मद्रास के बॉर्डर में, तमिलनाडु के बॉर्डर के पास माल लेके जाना हम लोग का। अब फिलहाल जा रहे हैं लोडिंग के लिए, देख सकते हैं आप लोग सामने ये गाड़ी हमारी चलती है। और बहुत बहुत राज माता का अभिनंदन है, गोल लगते हैं कि आज का प्रोग्राम मिला है। अब निकलते हैं टूर में, आपको देख सकते हैं चलते हैं आगे। टाडी वन आएगा ब्रिज बना हुआ है जो रास्ता, ये हम टाडी वन चौक में पहुँच रहे हैं और ये ब्रिज बन रहा है, देख रहे हैं ब्रिज बना हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था, जब ब्रिज के काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो आने जाने वाली वाहन को, छोटा से लेके बड़ा वाहन को दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, और आम पब्लिक को भी टू व्हीलर फोर व्हीलर वाले चलाने वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। अपना अपना रास्ता से आएंगे और ऊपर वाली गाड़ी जो कलकत्ता टू बॉम्बे जाती है ना, वो गाड़ी ऊपर ऊपर चली जाएगी। जो आपको रायपुर टू नागपुर टू जो भिलाई टू जाती है कलकत्ता, वो भी ऊपर ऊपर गाड़ी चले जाएगी। और उधर से भी आने वाली गाड़ी जो आती है नागपुर तरफ से भिलाई तरफ से, वो गाड़ी भानपुरी ब्रिज बना हुआ है सिंगल, वो चले जाएगी ऊपर ऊपर। लेकिन नहीं है कि नीचे वाले ब्रिज बना हुआ है फोर लाइन, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है ट्रैफिक का। तो अभी काम चालू है, काम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं सामने ब्रिज बना हुआ है चारों तरफ में ब्रिज है, ब्रिज देखिए चारों तरफ ब्रिज बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसा नज़ारा है कि एक आने वाला टाइम में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। और जिस टाइम में हम 90 में आता था ना, तो एक छोटा सा जगह था सर्किल यहाँ पे टाडीवान चौक, इसको बोलते थे मेन चौक टाडीवान। तो ठीक है हम नागपुर के लिए भिलाई के लिए निकल रहे हैं, देखिए पार करेंगे गाड़ी हम। और देखिए ब्रिज है सामने, गाड़ियाँ खड़ी है सब देख सकते हैं आप लोग। और वो सामने देखिए ब्रिज है चारों तरफ, ये तीन के सब टिकटा ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे, वो फोर लाइन का ब्रिज है और ये सिंगल ब्रिज है। इंडस्ट्री एरिया उमदा रोड में हम पहुंच गए हैं दोस्तों, बालाजी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में। और हमारी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है, इन्होंने बोले अंदर लेने के लिए, तो हमने बोला कि भाई ठीक है ले लेते। तो बोले कि बड़ा मोबाइल अगर होगा आपका
तो आप लोग के जमा करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि बड़ा मोबाइल तो मेरे पास है 2 और छोटा मोबाइल भी है, तो हम बोले भाई कि अगर गाड़ी आज लोड होगा तो आप लोग अंदर लीजिए, आ नहीं तो नहीं लोड होगा तो फिर गाड़ी अंदर मत लीजिए, कल सुबह आप लीजिएगा, हम लोग बाहर में रहेंगे, फिर आप लोग मोबाइल तो मिलेगा नहीं हम लोग के, तो फिर फालतू को टाइम बर्बाद होगा, हम लोग का जो ब्लॉगिंग का काम है वो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग गाड़ी बाहर में रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने गाड़ी मेरा खड़ी है, सामने कंपनी भी है इधर, इधर भी देखिए रोड गया हुआ है और लाइट भी लगा हुआ है, तो बाहर में हम लोग खड़े हैं। अब तो खाना पीना बनाते हैं खाते हैं, फिर सवेरे 9 अंदर लेंगे 8:30। कल मोबाइल जमा हो जाएगा तो कल मेरा ब्लॉग बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, अगर मोबाइल जमा हो गया तो ब्लॉग मेरा बनेगा नहीं, और गाड़ी कब लोड करके हमारी गाड़ी निकलेगी बाहर अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, अब अंदर जाने के बाद ही मालूम चलेगा, तो इसलिए कल का ब्लॉग मेरा दोस्तों नहीं बन पाएगा। तो अब देखते हैं फिर निकलेंगे तो कितना बजे फिर छोड़ते हैं, तो फिर कहीं मिलेगा टाइम तो बनेगा, नहीं तो कल का ब्लॉग मेरा एंडिंग ही रहेगा, नहीं बन पाएगा। देखिए हम बनाए हैं मुर्गीला भात, उसने चावल के आज मन किया खाने के लिए मुर्गीला भात, तो इसलिए हम बोले कि चलो आज मुर्गीला बनाते हैं, और बहुत दिन के बाद हम घर में थोड़ा जाते हैं तो बनवाते हैं, अच्छा लगता है। और देख सकते हैं ये देखिए ये मुर्गीला भात हो गया, इसमें देखिए जीरा से छौंकेंगे, सरसों तेल डालेंगे जीरा से छौंकेंगे इसके अंदर में, तो तेल मेरा गर्म हो रहा है देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये रखिए बाबू इसको, ये तेल डाल दिए हैं और इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा, देख सकते हैं आप लोग थोड़ा तेल गर्म हो जाए, तो उसके बाद इसमें छौंक देंगे तो अच्छा लगेगा खाने में, स्वादिष्ट लगेगा, और बहुत दिन से मन कर रहा था लेकिन टाल बेटाल होते होते और आज हम बोले बनाते हैं, और वह उसने चावल का है, हाँ मंसूरिया उसने चावल है, ये घर का चावल है, डाल देते हैं गरम हो ही जाएगा पक जाएगा, देख सकते हैं आप लोग ये जीरा मेरा देख रहे जीरा, ये देखिए जीरा देखिए पक रहा है, अब इसमें डालेंगे छौंक देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, तो थोड़ा लाल हो जाए हल्का कला टर्म में, थोड़ा पक जाएगा तो स्वाद जीरा का अच्छा लगता है खाने में, बढ़िया लगता है, और चंदन को थोड़ा सा मिजाज लगता है, बोलते पापा गर्दन में दर्द कर रहा है, घेटी उठी घेटी उठी सुन सुन पानी करके पिए हैं, और थोड़ा इनको पानी गलाला करके देते हैं नमक में, पानी थोड़ा पका के उबाल के इसको देंगे नमक से गलाला करने के लिए, तो गलाला नहीं किए पी लिए, अब इनको गर्म करके देते हैं थोड़ा बढ़िया रहेगा गर्म पानी पियेंगे तो, ये जल्दी इनका थोड़ा सा ये हो गया मेरा ये जीरा देखिए तैयार हो गया रेडी हो गया ना, जल जाएगा ज़्यादा इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, और देख सकते हैं देखिए ये हो गया मेरा, उसको मिला देते हैं इसमें देखिए देखिए मिल गया चारों तरफ, खाने में ठीक लगेगा, ढक दिए ये देखिए मेरा बन गया मुर्गीला भात, इसको मुर्गीला भात बोलते हैं और इसको गोलहत भी बोलते हैं हम लोग तरफ में, ठीक ना, तो इसको खाते हैं उसने चावल का है, और इसमें देखिए ना ये निमकी का अचार का रस डाल दिए हैं जो पक गया था, और निमकी अचार है, और दिन वाला देखिए सब्जी बचा हुआ दौरी का आलू का, इसके साथ हम और चंदन बाबू खाएंगे, और कंपनी में आया लोड करने के लिए बता ही दिया आप लोग देख लीजिए सामने, तो जय माता रानी जय माँ जय माँ, तो स्वाद देखते हैं कैसा गुलाब, तो खाने का बहुत दिन के बाद मिला है, अच्छा लग रहा है सादा सादा बढ़िया है, खाना वाना हम लोग खा लिए भोजन हो गया, अब बनाए थे देखिए मुर्गीला भात हम लोग, और टाइम हो गया करीब करीब 12 बजने चला है, तो हम लोग अब आराम करते हैं, गाड़ी कंपनी पास आ गया, कल गाड़ी लोड होगा, एक और हमारा कंपनी गाड़ी सामने खड़ी होगी लोड होगी, दोनों गाड़ी साथ में जाएंगे हम लोग, हम लोग के जाना है कर्नाटक में मंगलूर हम लोग का जाना है, तो आराम करते हैं हम लोग,
तो आज का ब्लॉगिंग हम लोग यही समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग के मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।